नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल की नवरात्र पर हमारी खास पेशकश माँ में। आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा। जय माता दी मित्रों, जय जय श्री राधे। आपके साथ मैं हूँ आचार्य संतोषी जी। हाँ, एक बार फिर से बोलिए जोर से जय माता दी। जी हाँ, आज देखिए ना, नवरात्रि का जो है आठवां दिन आ चुका है और नवदुर्गा के आठवें स्वरूप यानी कि माँ महागौरी का दिन है आज। माँ गौरी जिनको लेकर कहा जाता है कि माँ ने कड़ी जो है एक तरह से प्रतिज्ञा की थी महादेव को पाने के लिए, और उसके बाद जो है महादेव को पति स्वरूप में उन्होंने प्राप्त भी किया। और भी बहुत सी जानकारियां हैं जैसे कि हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ माँ का जो वर्ण है वो गौर भी है। लेकिन आचार्य जी, आज आपसे जानना चाहेंगे कि माँ की आराधना से कौन से ग्रह की शांति हम कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए माँ गौरी भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए इतना तप की थी कि उनके शरीर का रंग बहुत काला पड़ गया था, लेकिन महादेव की असीम अनुकंपा और उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से ये परम गौर वर्ण की हो गई बात। इसीलिए इनका नाम माँ महागौरी पड़ा। वैवाहिक जीवन की सुख शांति समृद्धि के निमित्त माँ महागौरी के मंत्र ओम ह्रीं गौरियै नमः का जाप किया जाता है। हमने अपने अब तक के अनुभव में इस मंत्र का कभी कोई काट नहीं पाया, अर्थात इस मंत्र के द्वारा आप मनचाहे वर की प्राप्ति कर सकती हैं, स्पेशली महिलाएं, कन्याएं, बच्चियां जो अविवाहित। राहु के साथ इसको हमने आज कनेक्ट किया है। आठवां ग्रह राहु, आठवीं देवी माँ महागौरी, तपस्वी का कारक, तपस्या का कारक, और अशुभ प्रारब्ध के कारण बीच में जितने अवरोध हमारे जीवन में आते हैं, जितने भी रुकावट आते हैं, वो सब का जनक राहु होता है। आपके चेहरे पर कहीं कट, कहीं निशान, कहीं कुछ भी कुरूपता अगर है तो उसके जड़ में राहु है। तो सौंदर्य के साथ इसको हमने कनेक्ट किया कि माँ महागौरी की कृपा से राहु अगर शांत कर लिया जाए तो हम पूरी तरह से शुभ भी दिखेंगे, सुंदर भी दिखेंगे, सुरम्य भी दिखेंगे, और जीवन में जितने अवरोध हैं दाम्पत्य जीवन से संबंधित वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो गृहस्थ आश्रम के जितने भी लोग हैं, हम आप सब ऐसे में माँ महागौरी की बहुत उपासना करने की आवश्यकता है। बताएंगे क्या उपाय किया जाए जिससे ये खास ग्रह आठवां ग्रह शांत हो जाए, राहु शांत हो जाए, संतुलित हो जाए। और हाँ, अब गृहस्थ आश्रम की जब चर्चा छिड़ गई तो रसोई में चलेंगे हम। आज इसके अंदर जो सामग्री है, सामग्री के रहस्य से पर्दा बाद में उठेगा, जाने पहले कि मिलेगा क्या। अगर शक के कारण आपका दाम्पत्य जीवन नष्ट हो रहा है, आपका प्रेम जीवन नष्ट हो रहा है, तो शक नहीं करेंगे इसके अंदर की सामग्री से। बिल्कुल, क्योंकि शक के लिए कोई भी इस बीमारी के इलाज के लिए मेडिसिन तो कहीं कोई है ही नहीं। और है मेडिसिन, क्या ये मेडिसिन भी है, ये भी मेडिसिन है, क्योंकि शक की बीमारी भी दूर होगी और साथ ही साथ ये जो आपका लकी चार्म है आज माँ महागौरी के आशीर्वाद के साथ आप तक पहुंचने वाला है। तो आज आपके राशि के अनुसार कौन सा अक्षर आपके हिस्से में आएगा ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको माँ महागौरी के दर्शन करवाते हैं, उनके स्वरूप से अवगत करवाते हैं और बताते हैं कि माँ के आशीर्वाद से उनके पास क्या कुछ है जो आपको वो मिल सकती हैं चीजें। माँ महागौरी का दिन। माँ महागौरी दुर्गा का आठवां स्वरूप है। माँ का वर्ण पूर्णता गौर है, इसलिए माँ को महागौरी कहा गया है। माँ वृषभ पर सवार रहती हैं। माँ की उपासना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ की चार भुजाएं हैं जिसमें अभय मुद्रा, त्रिशूल, डमरू और वर मुद्रा है। माँ का जपनीय मंत्र है श्वेते वृषे दद्याद् महादेव प्रमोददा।
तो वाकई नवदुर्गा का आठवां स्वरूप मां महागौरी का जो रूप है वाकई बहुत ही सौम्य है, बहुत ही प्यारा है और साथ ही साथ इनकी उपासना से अखंड सौभाग्य का वरदान आप प्राप्त कर पाते हैं। साथ आगे आपको बहुत सी जानकारियां देने वाले हैं। कुंडली में राहु की शांति के लिए मां की आराधना बहुत जरूरी है, कैसे मां को प्रसन्न करें जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कालका जी मंदिर ले चलते हैं और मां के दर्शन करवाते हैं। समय है अभी हम मौजूद और जैसे कि आपने खुद बताया कि आज महागौरी का जो स्वरूप है आठवां स्वरूप मां का उसकी आराधना की जा रही है और मेन दरबार जहां से फिलहाल जो कुछ भक्तगण हैं वो बाहर निकल रहे हैं यहीं से हम कोशिश करेंगे आपको अंदर ले जाने की और मां के दरबार में आज के दिन की आपको बताऊं तो सुबह के समय यहां पर जो सुबह 1:30 बजे आरती हुई है उससे 1:30 बजे की आरती के बाद ही यहां पर जो मां का दरबार है वो आज अब कल तक के लिए इसी तरह से खुला रहेगा। अब जो 3 आरती बीच की होती है वो नहीं होंगी। मेन दरबार में इस समय हम अंदर हो गए हैं और यहाँ पर अब हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जो माँ का जो मुख्य दरबार है वहाँ पर हम आपको दर्शन कराएं। यहाँ पर जो मेन दरबार है यहाँ पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं। खास बात ये है कि फिलहाल अगर हम आज की बात करें और अष्टमी का दिन अधिकतर जो भक्तगण हैं वो अष्टमी की पूजा करें और पहले माँ के दरबार में माथा टेकते हैं के बाद ही घर पे जाकर कन्या पूजन के साथ ही आज के अपने जो नवरात्रे हैं उसमें अष्टमी के समापन करती हैं। और मेन दरबार में इस समय मौजूद है जहां पर लाइव इंडिया के जो दर्शक हैं जो कि माँ कालका के दरबार में नहीं आ पा रहे हैं वो यहां से सीधे दर्शन कर सकते हैं। बात एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज इस तरह की मान्यता है कि अष्टमी की जो आज आरती होती है सुबह उसके बाद 3 आरती यानी कि आज शाम की कल सुबह और कल शाम की आरती नहीं होगी और यहाँ पर जो भक्तगण अगर इस मुख्य दरबार में भी नहीं आ पाते हैं तो माँ उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं जो कि मंदिर परिसर को छू कर ले जाते हैं। मुख्य दरबार में इस समय कितनी भीड़ है भक्तों की ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको दर्शन करने में भी एक तो काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। काफी लंबा इंतजार करने के बाद वो करने के लिए पहुंच सके हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सुबह करीब 1:30 बजे से माँ के दर्शन करने के बिल्कुल जी आरती बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। वाकई ये जो मौका है आचार्य जी बहुत ही सुनहरा मौका है, पावन दिन है, अष्टमी है और ये मौका कोई भी अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहता है और हमारे तो लाइव इंडिया के दर्शक भी इतने सौभाग्यशाली हैं कि घर बैठे ही माँ के दर्शन कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि माँ जो है आपकी सभी मुराद पूरी करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आचार्य जी आज माँ महागौरी का दिन है और अब हम चाहेंगे कि आप लगातार हर दिन कोई ना कोई जो ग्रह हैं उनको संतुलित करवा रहे हैं और 8वें ग्रह की आज बारी आ गई। हाँ 8वें जो ग्रह की बारी आ रही है लेकिन उससे पहले बारी आई है रक्षा कवच की। तो चलिए आप बिल्कुल सुरक्षित रहें जहां भी रहें जहां भी जाएं 24 घंटे की सुरक्षा के लिए पाएं और अपनाएं रक्षा कवच। आज के दिन घर से निकलने से पहले ये खास रक्षा कवच अपनाने के बाद आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। समक्ष आपके आ चुका है ये, उल्टे पांव में काला धागा बांध लेना है और पूरे दिन इसको रहने दीजिएगा। संध्या वेला में शाम को इसे खोल करके कहीं फेंक दीजिएगा। ये आज के दिन का रहेगा। अब कल क्या ऐसा करके निकलेंगे कल भी आप सुरक्षित रहें। हल्दी और दही ये दोनों मिक्स करके अपने कंठ पर तिलक लगा लीजिए यहां पे और यह प्रयोग किसी स्त्री या छोटी सी गुड़िया से करवाइएगा। कल का दिन नवमी का दिन रहेगा, माँ सिद्धिदात्री का दिन रहेगा, सिद्धियां मिलेंगी और आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, सुरक्षा के साथ साथ माँ के आशीर्वाद से आप हर क्षेत्र में कामयाबी भी हासिल करते हैं, सफलता भी हासिल करते हैं। तो भाई जहां भी ट्राई मार रहे हैं सफलता के लिए, चाह रहे हैं कि काम बन जाए, आप उत्तीर्ण हो, इसके लिए अपनाएं मिशन सक्सेस। बस थोड़ी देर में आपका विश्वास बढ़ने वाला है, शक से बचेंगे आप। किचन पिटारा का इंतजार जरूर करिएगा, कागज कलम तैयार रखिए। मिशन सक्सेस आज के दिन, एक चुटकी नमक लेना है आपको, 3 बार उल्टा वार के फेंक देना है, किसी पेड़ के नीचे ही डालिएगा, पांव के नीचे ना ले पाए नमक। कल के दिन का शुक्रवार दिन, दूर्वा और हल्दी ये दो चीजें हैं, दोनों गणेश के लिए हैं, भगवान श्री गणेश के लिए हैं। ये सर से वार के कपूर से जला दीजिएगा, किसी कटोरी आदमी रख लीजिए छोटी सी और सर से वार के कपूर से जलाते हुए फिर घर से प्रस्थान करिए, हर मिशन सफल हो जाएगा। जी हाँ,
और चलिए अब आपको बता दें कि कैसे मां महागौरी की उपासना से जो राहु ग्रह है वो शांत होता है और अपनी शुभता दिखाता है। जानते हैं आठवीं शक्ति आठवें ग्रह में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आगे हम आपको बताएंगे कि कल नवमी है तो कन्या पूजन की विधि क्या होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आठवीं शक्ति आठवां ग्रह है। बिल्कुल, कल नवमी तिथि में जब आप कन्या पूजन करेंगे तो उसमें बहुत बारीक जानकारी कहीं और नहीं मिलेंगी, तो बिल्कुल चिपक के बैठिएगा। चलिए आठवें नंबर पे हम आ चुके हैं ग्रहों के, जो कि छाया ग्रह माना जाता है। स्याह होकर के भी मां महागौरी गौर वर्ण प्राप्त करती है अपनी तपस्या के दम पर, तपस्या के बल पर। आठवीं शक्ति आठवां ग्रह राहु। एक कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिएगा। अब यहां पर देखें शुरुआत हो चुका है, एक चुटकी मिश्री डालिएगा और थोड़ा सा देशी घी, बाजार वाला ना लेकर घर पे ही बना लीजिए आप, एक चम्मच लेने की आवश्यकता है। सफेद तिल तीन चुटकी उसके अंदर विद्यमान करिएगा। समस्त सामग्रियां आपके सौंदर्य के लिए चार चांद लगाने के लिए मानी जाएगी। शुक्र चंद्रमा को यहां पर हमने कंसीडर किया खासतौर पर। कुछ देर के लिए समस्त सामग्रियों को फ्रीज में रख दें, अर्थात शीतल कर लें, ठंडा कर लें। पूर्णतया शीतल करने के बाद निकाल लीजिएगा। अब आप श्वेत वस्त्र धारण कर लें। विवाहित स्त्रियां जो सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं, जिनके पति हैं, वो पूरी तरह से सफेद ना पहने, अशुभ मान्यता है। कुछ लाल आदि जरूर उसके साथ पहन लीजिएगा। अब आपको मंत्र क्या जपना है, सामने रख करके कटोरी को, ओम ह्रीं रांग राहवे मां महागौर्यै नमः। मंत्र एक बार पुनः देखिएगा, ओम ह्रीं रांग राहवे मां महागौर्यै नमः का जाप करें, जितना चाहे आप जाप कर सकते हैं। और इसके बाद इस सामग्रियों को ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। बस यहां से आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। राहु आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, जितने अड़चन डालने थे राहु देव को वो डाल चुके हैं। आज मां महागौरी की कृपा के बाद अब राहु से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक गुण इनके अंदर बहुत खास है, क्या है वो गुण, आप में कैसे आ सकता है, यह जानकारी आगे देंगे। बिल्कुल, लेकिन वक्त है ब्रेक का और आज दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे कि मां महागौरी जो है नवदुर्गा का आठवां रूप ही क्यों है। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। नवरात्रि में विशेष है महागौरी का धाम, शिव की शक्ति देती हो अष्टमी को वरदान। मन अपना एकाग्र कर नंदीश्वर को पाया, सुबह शाम की धूप से काली हो गई काया। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से बोलते हैं जय माता दी। जी हाँ, आज नवदुर्गा के आठवें स्वरूप माँ महागौरी का दिन है। उज्जवल से दो नैना है माँ के और आपके नैना। जब जी हाँ, रात को जब आप सोएंगे तो सपने में माँ आपको दर्शन भी देने आएंगी।
क्या जोड़ा आपने इसको देखा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, अगर शक आपके जीवन में आपके दिमाग में घर कर गया है, दीमक की तरह खाए जा रहा है, तो आज का रसोई का जो सामान है वह आपके दिमाग से शक को निकालेगा, विश्वास बढ़ाएगा, भरोसा बढ़ेगा। और वैसे भी जो ये दिन है पावन दिन, इनमें तो विश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि नवदुर्गाओं की शक्ति इतनी प्यारी सकारात्मक रूप में हमको मिल रही होती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि माँ महागौरी के पास जो है बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास गुण आप में भी समाहित हो सकते हैं, कैसे आइए जान लेते हैं। आपका चेहरा, आपका सौंदर्य यह पहला आकर्षण होता है, उसके बाद आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र बाद में दिखता है। लेकिन पहले आकर्षण के लिए अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे तमाम तरह के दोष हैं, जो अभी हमने शुरुआत में बताया कि राहु के कारण ऐसा हो जाता है, राहु चीरा लगवाता है, राहु टाके लगवाता है, जो सर्जरी है उसका भी कारक राहु ही होता है, तो कहीं से भी अगर दागदार या तमाम दोष आपके चेहरे पर है तो माँ बहुत गौर वर्ण की दैदीप्यमान चेहरे वाली है, तो माँ से क्यों ना आज यही ले लिया जाए। चलिए बताते हैं क्या उपाय करना है। देखिए, यदि राहु शनि का प्रभाव आपके चेहरे पर पड़ गया है, यदि आपका चेहरा पूरी तरह से दागदार है, तो माँ महागौरी का आशीर्वाद सुधारेगा आपका सौंदर्य। कैसे, देखिएगा, अंगूठे में अपने शहद और हल्दी लगा लीजिएगा। अब यहां से हमने शुक्र को कंसीडर किया, कनेक्शन देखिएगा, समझिएगा, तर्कों पर आइएगा और अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे आप। शहद और हल्दी शुक्र और बृहस्पति लगाइए, इसके बाद सामने कटोरी में गंगा जल रख लीजिएगा और अंगूठे को पूरी तरह उसमें खंगाल लीजिएगा, धुल लीजिएगा। और जो सामग्री अब बन गई है धुलने के बाद, हल्दी और शहद धुलने के बाद, इसे आप अपने सर से वार के तुलसी के पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। जितनी निगेटिविटी के कारण जो भी आपके दिमाग में नकारात्मकता थी, राहु जनित, शनि जनित, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर ये सब असर दिख रहा था, वो सब धीरे धीरे दूर होगा, माँ की कृपा रहेगी। इस उपाय को तो आज करना ही करना है, इसके बाद भी इसको आप कंटिन्यूटी में रिपीट कर सकते हैं, इसका असर आपके चेहरे को चमकदार जरूर बनाएगा। बिल्कुल, और साथ ही साथ ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं आप, लेकिन थोड़ा सा ठहर जाइए, आपका लकी अक्षर भी इंतजार कर रहा है आप ही की तरह, बस जो कि हेडलाइंस के बाद ही देंगी आप। हेडलाइंस के बाद पक्का, ब्रेक के उस पार तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले हम वीना जी से बात कर लेते हैं, लखनऊ से बनी हुई है हमारे साथ। जी स्वागत है आपका शो में, जय माता दी बोलिए वीना जी, और बताएं अपने बारे में। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, चरण स्पर्श, बहुत आशीर्वाद, जय माता दी। पंडित जी हम बहुत भाग्यशाली हैं, आज आपसे बात हो गई, हम बता नहीं सकते हम कितने जी, जी, जी। भाग्य हम लोग का भी है, आप जैसे श्रद्धालुओं से वार्तालाप हो जाती है। जी जी, आपका उपाय किया मंदिर में जाके और आज फोन लग गया, बहुत खुशी हो रही आपसे बात करके। जी जी जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था पंडित जी। जरूर आचार्य जी, आर्यन शर्मा नाम है उसका, और दिन शनिवार 10 अगस्त 1996। जी, समय 1996, समय प्रातः 5:17 पर। जी, कहाँ का जन्म है? चित्रकूट है आचार्य जी। आचार्य जी, वो पिछले साल उसने क्लैट की तैयारी की थी तो उसमें उसका हुआ नहीं था जी। और इस बार फिर से वो कर रहा है, मई में पेपर है आचार्य जी, और बहुत परेशान है, उसको यही जानना है कि होगा कि नहीं होगा या किस क्षेत्र में उसका भाग्य है। बिल्कुल, देखिए कुंडली इनकी कर्क लग्न की है और लग्न में ही सूर्य की उपस्थिति है, चंद्रमा मंगल शुक्र एक साथ इनके 12वें भाव में बैठे हैं। बच्चा आपका बहुत हीरा है, निश्चिंत रहिएगा, कोई दोष नहीं, बिल्कुल मस्त रहें आप। बच्चा आपका जरूर बीटेक करेगा, टेक्निकली ही ये स्ट्रांग बनेगा, विदेश में बहुत नाम कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, आपको भी विदेश घुमाएगा, आप विदेश जाने के लिए भी तैयार रहिएगा, पासपोर्ट बनवा लीजिए। बहुत शुभकामनाएं हमारी, एक तांबे का कड़ा पहना दीजिएगा, बहुत प्यारी कुंडली, कहीं से कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। हाँ, दाम्पत्य जीवन के लिए मामला गड़बड़ है, एक बार जन्मांक ढंग से दिखा लीजिएगा। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं उस अशुभ समय के बारे में जिसमें आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, यानी कि राहु काल। बिल्कुल, एक ऐसा समय जब आपको सिर्फ ईश्वरीय ध्यान में ही अपने आप को लगा के रखना होता है। राहु काल आज का खास तौर पर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, कुछ ना करिए, सोना भी नहीं,
कल का राहु काल सुबह 10:30 से लेकर के ठीक 12 बजे तक। प्रभु नाम, प्रभु स्मरण इसमें सबसे शुभ होता है, उसी से बेड़ा पार होता है। जी हाँ, राहु काल के बाद और अब हम बात करेंगे गुलिक काल की। ये तो बहुत ही अच्छा और शुभ समय होता है, तो अपनाएं और जान लीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। बेहद खास किचन पिटारा आप तक पहुंचने वाला है, कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि वाकई शक से परिवार टूट जाता है। गुलिक काल का समय आपके समक्ष आज के दिन का 9 बजे से लेकर 10:30 और कल का गुलिक काल सुबह 7:30 से ठीक 9 बजे तक रहेगा। इसमें आप जो चाहे कर सकते हैं, हर एक काम आपके बन जाते हैं। जी हाँ, और चलिए अब देखते हैं कि निकिता जी ने हमें कॉल किया है जमशेदपुर से, इनकी क्या समस्या है। निकिता जी, जय माता दी बोलें और अपने सवाल के लिए सबसे पहले अपनी जानकारी दें। निकिता जी आप तक, जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। अच्छा, इस वजह से नहीं आवाज आ रही थी। हाँ हेलो, हाँ अब नितिका बोलिए। निकिता बोलिए। हेलो जी नितिका जी। हेलो कंचन जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। पंडित जी चरण स्पर्श। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद बच्चा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका संपर्क टूट चुका है हमसे, हो सकता है। निकिता जी अब आप देखिए। अच्छा, मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों को टीवी का वॉल्यूम ऑन करके बात करने की हैबिट है वो मेल क्या करें। बिल्कुल वही बेहतर रहेगा, समय भी हमारा बचेगा और आप भी सही ढंग से पहुंचा। अच्छा, मेल आईडी आपको बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए, kaletam@liveindia.tv। ये सुबह के शो की मेल आईडी है। तो चलिए अब हम, जैसे कि हमने आचार्य जी बात करी है, आज माँ महागौरी का दिन है और आपने बहुत अच्छी बात करी है कि जितनी भी दाम्पत्य सुख की जो लोग कामना कर रहे हैं, तो खास तौर पर कुंवारी कन्याओं की बात की जाए। बिल्कुल, है ना, तो उनकी शादी वादी हो जाए, उसके लिए कुछ बताएं। देखिए, कुंवारी कन्याओं के लिए खास तौर पर देखिए, महागौरी वाकई बहुत शक्तिशाली है और माँ महागौरी के पूजन से ही विवाह के सुख की प्राप्ति होती है। आपके जन्म कुंडली में मंगल शुक्र की मजबूती के साथ माँ महागौरी कनेक्ट हो जाती हैं और वहीं से आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता मिलती है। माँ के समक्ष बैठिएगा और बस एक मंत्र हम आप सबको बता देते हैं, 11 माला आज इसका जाप कर लीजिए। अगर आप कन्या है, आपकी विवाह में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, पीले वस्त्र पहनकर, बालों को अपने खोलकर लेकिन सर पे चुन्नी रखकर ओम ह्रीं माँ महागौरियै नमः, इस मंत्र का जितना चाहे जाप कर लें। ठाकुर जी की कृपा रही, माँ महागौरी की कृपा रही, तो संभवतः कल का दिन भी शायद ना बीतने पाए, शादी की कहीं से खुशखबरी आपको मिल ही जाए। जी हाँ, तो जो कामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली है, बस जो प्रयोग आपको बताया गया है आज की तारीख में कर ही डाली है, उसके बाद देखिए रिश्ते जो हैं। पहले ही सोचा था आप ऐसा कुछ पूछने वाली हैं क्या? नहीं, मुझे लग रहा था माँ महागौरी के बारे में बता ही रहे हैं कि जो है कुंवारी कन्याएं प्रयोग। अपना स्वार्थ तो नहीं था आपका? नहीं, मेरा स्वार्थ तो कभी नहीं होता है। किसी चीज में कोई स्वार्थ नहीं होता है, मैं तो वैसे कर लीजिएगा, आप भी चाहें तो कर सकती हैं। अच्छा, शीघ्र विवाह का योग बनने लग जाए। जी बिल्कुल, मैं अप्लाई कर लूंगी। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम आपको बताएंगे कि कल है 9वीं शक्ति यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन, और 9वीं पर हम आपको बताएंगे कि माँ को आप कैसे प्रसन्न करें ताकि जो आपका केतु ग्रह है वो संतुलित हो जाए। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।